जुडिशियल सर्विस और LLB समस्त एग्जाम से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केसेस के जजमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, दिस इज आसिम फ्रॉम लॉ फैकल्टी टू यू। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अ लैंडमार्क केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ व्हिच इज मेंशन इन आवर केस मैट। केस का नाम है ओम प्रकाश एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2000 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से डॉक्ट्रिन ऑफ विटनेस बॉडी, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं, उस पर बेस्ड है। और इस केस में कहा गया है कि कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर अनलेस द पनिशमेंट इज ग्रॉस डिसप्रोपोर्शनेट, यानी कि कोर्ट जो है मामले में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक लेवल ऑफ मिसकंडक्ट और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के बीच का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा ना हो। तो अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस के फैक्ट ये हैं कि DDA के कुछ ऑफिसर स्कीपर कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर के अपने डिपॉजिटर्स के साथ फ्रॉड कर लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये डायरेक्शन देती है कि उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन स्टार्ट किया जाए। तो इस ग्राउंड पे उनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है और पनिशमेंट भी उन्हें मिलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाद में ये ऑब्जर्व करती है कि उनके मिसकंडक्ट का जो लेवल है उस प्रोपोर्शन में पनिशमेंट का लेवल नहीं है, यानी कि मिसकंडक्ट का लेवल जो है वो ज़्यादा है और पनिशमेंट का लेवल कम है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को विजिलेंस कमीशन को भेज देती है और कहती है कि आप क्वांटम ऑफ पनिशमेंट आप डिसाइड करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है वो मिसकंडक्ट के लेवल से कम है। तो ये जो DDA के कुछ जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें से एक ऑफिसर होता है ओम कुमार, तो ओम कुमार जो है सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में ही अपील कर देते हैं। ओम कुमार के वकील का कंटेंशन ये होता है कि कंपिटेंट अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि अपने ऑफिसर्स को मिसकंडक्ट के लिए क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कितना देना है, और जनरली कोर्ट जो है इस मामले में तब तक इंटरफेयर नहीं करती है जब तक लेवल ऑफ मिसकंडक्ट और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के बीच डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो। तो चूंकि इस केस में जो पनिशमेंट अवार्ड किया गया है उनके क्लाइंट के लिए वो डॉक्ट्रिन ऑफ वेडनेसबरी को फॉलो करता है, यानी कि जो वेडनेसबरी का जो रूल है उसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए इस मामले में कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम इस बात से सहमत हैं कि कंपिटेंट अथॉरिटी को यह अधिकार होता है कि वो अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट में क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कितना तय करे जब वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहा हो, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और साथ ही साथ ट्रिब्यूनल के जो जुरिसडिक्शन है वो लिमिट होते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेडनेसबरी के माध्यम से, यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ वेडनेस बड़ी है उसके माध्यम से कोर्ट और ट्रिब्यूनल के जो जुरिसडिक्शन है वो लिमिटेड होता है तब तक जब तक कि लेवल ऑफ मिसकंडक्ट और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा ना हो। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस केस में अगर देखा जाए तो लेवल ऑफ मिसकंडक्ट और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के बीच डिफरेंस तो है लेकिन वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है वो शॉकिंग डिसप्रोपोर्शनेट में है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम इस केस की आगे की जो प्रोसीडिंग है उसको रोक देते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में फर्दर इंटरफेयर नहीं करती है। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही है। अगर वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।